हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, माँ बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि एक महिला के शरीर में हर महीने सही समय पे एग का रिलीज होना। इसे हम ओव्यूलेशन की प्रक्रिया कहते हैं। अगर आपको समय पे सही क्वालिटी का एग रिलीज नहीं हो रहा है तो आप माँ नहीं बन सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, इसके लिए यूट्यूब सहेली चैनल पे मैंने कई सारे ट्रिक्स और टिप्स बताए हैं जिसको फॉलो करके बहुत सारी महिलाएं कंसीव कर रही हैं। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझेंगे कि सही से ओव्यूलेशन हो रहा है आपको, ये आप कैसे समझेंगे, और अगर नहीं हो रहा है आपको, इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई भी लक्षण आपको महसूस नहीं हो रहा है, तब ऐसी कंडीशन में आप करेंगे क्या, समाधान कहां पे है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ओव्यूलेशन अगर सही हो रहा है तो उसका लक्षण क्या है। हम सबसे पहले बात करेंगे सर्विक्स की। महिला के शरीर में लोअर एब्डोमेन में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें सर्विक्स की पोजिशन महीने के अलग अलग समय पर बदलती रहती है, और अगर ओव्यूलेशन का समय आपका आ गया है तो सर्विक्स थोड़ी हाई होगी, उसको हम फिंगर से चेक कर सकते हैं। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है कि अपनी ओव्यूलेशन के समय अपनी सर्विक्स को जांचकर कैसे आप जान सकते हैं कि अब आपका ओव्यूलेशन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन के समय पे सर्विक्स हाई होती है, सॉफ्ट होती है और ओपन होती है। ये तीन चीजें आपको नोटिस करनी होती है कि सर्विक्स हाई है, सॉफ्ट है और ओपन है। ओके, उसके बाद शरीर में भी कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि हमारे ओव्यूलेशन को बताते हैं। इनमें से फ्रेंड्स, अगर एक भी लक्षण आपको है, कम से कम एक या दो लक्षण भी आपको होता है तो आपको ओव्यूलेशन हो रहा है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आपको अपनी जांच करानी चाहिए, अपने नियरेस्ट गायनेक को दिखाना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन होने का अगला लक्षण है ब्रेस्ट के अंदर टेंडर सी फीलिंग होना। अगर महीने के पीरियड के बाद के समय में आपको ऐसी फीलिंग होती है तो आपको ओव्यूलेशन होने का समय आ चुका है। अब हम बात करेंगे लोअर एब्डोमेन में, नीचे के नाभि के नीचे के पेट के रीजन में आपको हल्का फुल्का क्रैम्प या दर्द रह सकता है। कुछ महिलाओं को ओव्यूलेशन के टाइम हल्की फुल्की स्पॉटिंग भी होती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है वजाइनल डिस्चार्ज। वजाइनल डिस्चार्ज ओव्यूलेशन के समय का फर्टाइल वजाइनल डिस्चार्ज होता है जो कि स्पर्म के लिए फ्रेंडली होता है, और स्पर्म को अंदर ले जाने के लिए, यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचाने के लिए उसके स्पीड में एड ऑन देता है। तो वो जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो कच्चे अंडे का जो ट्रांसपेरेंट सा पार्ट होता है, बिल्कुल स्ट्रेची होता है, वॉटरी डिस्चार्ज जिसको बोलते हैं, वैसा होता है। फ्रेंड्स, अगर आप डेली अपना बॉडी टेम्परेचर नोटिस करते हैं तो जब ओव्यूलेशन होने वाला होता है तब आपके बेसल बॉडी टेम्परेचर में थोड़ा सा लगभग आधा से एक डिग्री का इंक्रीज आप नोट कर सकते हैं, और इसके 12 से 24 घंटे में ही आपको ओव्यूलेशन होने की संभावना होती है। फ्रेंड्स, हमारा शरीर प्रकृति के मुताबिक चलता है, तो प्राकृतिक क्रिया इस समय होती है कि जब ओव्यूलेशन हमारा होने वाला होता है तो शरीर के अंदर लिबिडो बढ़ जाता है। लिबिडो को कहते हैं सेक्सुअल डिजायर, ये उस समय प्राकृतिक तौर से बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, आप सभी जानना चाहेंगे कि आपको ओव्यूलेशन कब होता है, तो अनियमित पीरियड में, रेगुलर पीरियड में, इन सिम्टम्स से आप जान सकते हैं। एक और तरीका मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप अपने पीरियड आने की जो साइकिल है, 30 दिन की, 40 दिन की, 45 दिन की, 28 दिन की, तीन भागों में बांट दीजिए। तो जो बीच वाला पार्ट आता है ना, शुरू का पहला हिस्सा, पीछे का दूसरा हिस्सा हटा दीजिए। जो बीच का पार्ट होता है उसके पहले दिन से लास्ट के दिन तक, इस दौरान ओव्यूलेशन ऑब्जर्व कर सकते हैं आप। और इस तरीके से हमारी एक सहेली ने अपने ओव्यूलेशन को समझ के कंसीव भी किया है। 10-10-10 मेथड बताती हूँ मैं अक्सर आप सभी को। तो इसी तरह से आप अपने पूरे मासिक चक्र को तीन भागों में डिवाइड करें, किन्हीं को, जिनकी शॉर्ट साइकिल होती है उनको ओव्यूलेशन जल्दी होता है, जस्ट आफ्टर पीरियड, ओके, और जिनका पीरियड मासिक चक्र लंबा होता है उनको ओव्यूलेशन थोड़ा लेट होता है, 15वें, 16वें, 18वें दिन भी, 19वें दिन भी हो सकता है। तो आप बीच के जो डेज होते हैं, चाहे वो 10 डेज हो, चाहे वो 7 डेज हो, चाहे वो 15 डेज हो, बट लंबी साइकिल में, उस पीरियड के दौरान आपको सिम्टम ऑब्जर्व करने हैं और चीजों को समझ के चलना है। अब हम बात करेंगे कि आपको ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, बहुत सारे सहेलियों का ये सवाल होगा कि हमें तो इनमें से कोई लक्षण नहीं होता है तो हम क्या ओव्यूलेट नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली एनोवुलेटरी साइकिल भी होती है, तो उसको ठीक करने के लिए यूट्यूब सहेली के क्या ट्रिक्स हैं, क्या टिप्स हैं जिससे आप अपने शरीर को ठीक कर सकती हैं। फ्रेंड्स, फर्टिलिटी मसाज, जब आप फर्टिलिटी मसाज करते हैं तो आपकी सोई हुई प्रजनन की शक्ति जागृत होती है। तो आप मेरा फर्टिलिटी मसाज का वीडियो देखें, अच्छे से समझे और बहुत आराम से
सही तरीके से उसको फॉलो करें। दूसरी चीज है शतावरी। शतावरी बहुत ही लाभकारी है अगर वजाइनल ड्राइनेस है आपको, कॉन्टेक्ट के दौरान पेन ड्राइनेस रहती है, इसके अलावा आपको ओविलेशन नहीं हो रहा, शतावरी ओविलेशन को ट्रिगर करती है, तो आपको शतावरी को यूज करना चाहिए। और ये जो चीजें हैं बिल्कुल खाने पीने की चीजें, इनका कहीं से कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, तो बिल्कुल बिल्कुल आराम से ले सकते हैं। अगली चीज है सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक जो है हमारे हार्मोन, जो महिला के जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं उनको संतुलित करता है। तो आपको बहुत ज्यादा पीरियड आता है, शरीर में बहुत गर्मी है और बहुत हीट भी है, और इस वजह से आपको ओविलेट नहीं कर पा रहे हैं आप, तो ऐसी कंडीशन में आप सॉफ्ट ड्रिंक ले सकते हैं। इन सभी विषयों पर मैंने वीडियो बनाए हैं, तो आप उनको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के थ्रू जाके देख सकते हैं। इसके अलावा दालचीनी, दालचीनी फर्टिलिटी के लिए मैजिकल है। जो भी कंसीव करना चाहते हैं उनको दालचीनी का प्रयोग शुरू कर देना चाहिए। दालचीनी पे को मैंने दो तरीके से बताया है, क्योंकि कई बार कई लोगों को गर्मी में दालचीनी का स्वभाव गर्म है हल्का, तो गर्मियों में प्रॉब्लम होती है लेने में, दाने वगैरह आने की समस्या कई लोगों को हो जाती है बॉडी हीट की वजह से। तो मैंने दोनों तरीके बताए हैं, आप दोनों वीडियोज को देखें, समझें ट्रिक्स और टिप्स, आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग चूज करें वाइजली। इसके अलावा दूध पीने का सही तरीका क्या है, खान पान का सही तरीका क्या है, पानी को आपको कैसे पीना चाहिए, फ्रूट्स भी खाना चाहिए, डाइट और एक्सरसाइज, अगर ये दो चीजें ही आप अच्छा कर लेते हैं तो आपका ओविलेशन, आपने से अधिकांश 50% महिलाओं का ओविलेशन वैसे ही ठीक हो जाएगा, लेकिन 50% में कुछ को प्रॉब्लम होती है, किसी ना किसी तरह का इश्यू होता है। तो उनके लिए छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, खाने पीने के जो बदलाव हैं, ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, आप उनको फॉलो कीजिए और इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। यूट्यूब सहेली के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी सहेलियां इन छोटी छोटी आसान सी ट्रिक्स को, टिप्स को फॉलो करके, ओविलेशन को ट्रैक करके बहुत आसानी से कंसीव कर रही हैं और आप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन बताए तरीकों से आप अपने ओविलेशन को समझें, नहीं हो रहा तो ठीक कर लें, और इसी तरह देखते रहें यूट्यूब सहेली को। वीडियो अच्छा लगा तो उसे शेयर जरूर करें। और मेरा बेबी केयर का एक नया चैनल है जो कि मैंने हाल ही में लॉन्च किया है, यूट्यूब मॉम, आप उसे भी देखें और सब्सक्राइब जरूर करें।